मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की इस महान धरती ने कई सारे महापुरुषों को जन्म दिया है और उन महापुरुषों ने मानवता के लिए कुछ अद्भुत अविस्मरणीय कार्य किए हैं। हमारा देश बहुरत्ना वसुंधरा है, ऐसे महापुरुषों में से एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी को पूरे देश ने एक अलग अंदाज में उनकी जन्म जयंती मनाई। नेताजी की जन्म जयंती पर मुझे भारत की आजादी के संघर्ष में अपना योगदान देने वाले वीरों को समर्पित एक म्यूजियम संग्रहालय का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप जानते हैं कि लाल किले के भीतर आजादी से अब तक कई ऐसे कमरे इमारतें बंद पड़ी थी। उन बंद पड़े लाल किले के कमरों को बहुत सुंदर संग्रहालयों में बदला गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी को समर्पित संग्रहालय याद ए जलियां और 1857 इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को समर्पित संग्रहालय और इस पूरे परिसर को क्रांति मंदिर के रूप में देश को समर्पित किया गया है। इन संग्रहालयों की एक एक ईंट में हमारे गौरवशाली इतिहास की खुशबू बसी है। संग्रहालय के चप्पे चप्पे पर हमारे स्वाधीनता संग्राम के वीरों की गाथाओं को बयां करने वाली बातें हमें इतिहास के भीतर जाने के लिए प्रेरित करती हैं। इसी स्थान पर भारत माँ के वीर बेटों कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लों और मेजर जनरल शाहनवाज खां पर अंग्रेज हुकूमत ने मुकदमा चलाया था। जब मैं लाल किले में क्रांति मंदिर में वहां नेताजी से जुड़ी यादों को दर्शन कर रहा था, तब मुझे नेताजी के परिवार के सदस्यों ने एक बहुत ही खास कैप टोपी भेंट की। कभी नेताजी उसी टोपी को पहना करते थे। मैंने संग्रहालय में ही उस टोपी को रखवा दिया, जिससे वहां आने वाले लोग भी उस टोपी को देखें और उससे देशभक्ति की प्रेरणा लें। दरअसल अपने नायकों के शौर्य और देशभक्ति को नई पीढ़ी तक बार बार अलग अलग रूप से निरंतर पहुंचाने की आवश्यकता होती है। अभी महीने भर पहले ही 30 दिसंबर को मैं अंडमान और निकोबार द्वीप गया था। एक कार्यक्रम में ठीक उसी स्थान पर तिरंगा फहराया गया जहां नेताजी सुभाष बोस ने 75 साल पहले तिरंगा फहराया था। इसी तरह से अक्टूबर 2018 में लाल किले पर जब तिरंगा फहराया गया तो सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां तो 15 अगस्त को ही यह परंपरा है। यह अवसर था आजाद हिंद सरकार के गठन के 75 वर्ष पूरे होने का। सुभाष बाबू को हमेशा एक वीर सैनिक और कुशल संगठनकर्ता के रूप में याद किया जाएगा। एक ऐसा वीर सैनिक जिसने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसे ओजस्वी नारों से नेताजी ने हर भारतीय के दिल में जगह बनाई। कई वर्षों तक यह मांग रही कि नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक किया जाए और मुझे इस बात की खुशी है कि यह काम हम लोग कर पाए। मुझे वो दिन याद है जब नेताजी का सारा परिवार प्रधानमंत्री निवास आया था। हमने मिलकर नेताजी से जुड़ी बहुत सारी बातें की और नेताजी सुभाष बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुझे खुशी है कि भारत के महान नायकों से जुड़े कई स्थानों को दिल्ली में विकसित करने का प्रयास हुआ है, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ा 26 अलीपुर रोड हो या फिर सरदार पटेल संग्रहालय हो या वो क्रांति मंदिर हो। अगर आप दिल्ली आए तो इन स्थानों को जरूर देखने जाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप जब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में चर्चा कर रहे हैं और वो भी मन की बात में, तो मैं आपके साथ नेताजी की जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा साझा करना चाहता हूं। मैंने हमेशा से रेडियो को लोगों के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना है। उसी तरह नेताजी का भी रेडियो के साथ काफी गहरा नाता था और उन्होंने भी देशवासियों से संवाद करने के लिए रेडियो को चुना था। 1942 में सुभाष बाबू ने आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी
और रेडियो के माध्यम से वो आजाद हिंद फौज के सैनिकों से और देश के लोगों से संवाद किया करते थे। सुभाष बाबू का रेडियो पर बातचीत शुरू करने का एक अलग ही अंदाज था। वो बातचीत शुरू करते हुए सबसे पहले कहते थे, दिस इज सुभाष चंद्र बोस स्पीकिंग टू यू ओवर द आजाद हिंद रेडियो। और इतना सुनते ही श्रोताओं में मानो एक नए जोश, एक नई ऊर्जा का संचार हो उठता। मुझे बताया गया कि रेडियो स्टेशन साप्ताहिक समाचार बुलेटिन भी प्रसारित करता था, जो अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, बांग्ला, मराठी, पंजाबी, पश्तो और उर्दू आदि भाषाओं में होते थे। इस रेडियो स्टेशन के संचालन में गुजरात के रहने वाले MR व्यास जी ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। आजाद हिंद रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम सामान्य जन के बीच काफी लोकप्रिय थे और उनके कार्यक्रमों से हमारे स्वाधीनता संग्राम के योद्धाओं को भी बहुत ताकत मिली। इसी क्रांति मंदिर में एक दृश्य कला संग्रहालय भी बनाया गया है। भारतीय कला और संस्कृति बहुत ही आकर्षक तरीके से बताने का प्रयास यह हुआ है। संग्रहालय में 4 ऐतिहासिक एग्जीबिशंस हैं और वहां 3 सदियों पुरानी 450 से अधिक पेंटिंग्स और आर्टवर्क्स मौजूद है। संग्रहालय में अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जामिनी राय, शैलोज मुखर्जी जैसे महान कलाकारों के उत्कृष्ट कार्यों का बखूबी प्रदर्शन किया गया है। और मैं आप सब से विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि आप वहां जाएं और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के कार्यों को अवश्य देखें। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ बात कला की हो रही है और मैं आपसे गुरुदेव टैगोर के उत्कृष्ट कार्यों को देखने की बात कर रहा हूँ। आपने अभी तक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को एक लेखक और एक संगीतकार के रूप में जाना होगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि गुरुदेव एक चित्रकार भी थे। उन्होंने कई विषयों पर पेंटिंग बनाई है। उन्होंने पशु पक्षियों के भी चित्र बनाए हैं। उन्होंने कई सारे सुंदर परिदृश्यों के भी चित्र बनाए हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ह्यूमन कैरेक्टर्स को भी कला के माध्यम से कैनवास पर उकेरने का काम किया है। और खास बात यह है कि गुरुदेव टैगोर ने अपने अधिकांश कार्यों को कोई नाम ही नहीं दिया। उनका मानना था कि उनकी पेंटिंग देखने वाला खुद ही उस पेंटिंग को समझे, पेंटिंग में उनके द्वारा दिए गए संदेश को अपने नजरिए से जाने। उनकी पेंटिंग्स को यूरोपीय देशों में, रूस में और अमेरिका में भी प्रदर्शित किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप क्रांति मंदिर में उनके पेंटिंग्स को जरूर देखने जाएंगे।